Hey everyone, welcome back to the channel. I'm Komal और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 3 easy ways to do your messy bun. So मैंने इस टॉपिक पे पहले भी वीडियोस बनाई हुई है, so आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो. और अगर आपको इस वीडियो में से कुछ अच्छा ना लगे या फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे तो आप इसमें से कोई एक ट्राई कर सकते हो. इस पर भी मैंने बहुत सारे ऐसे तरीके दिखाए हैं मेसी बन बनाने के. सो या इसकी लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, सो आप वहाँ से चेकआउट कर लेना. एंड इफ़ यू न्यू टू माई चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस दैट नोटिफिकेशन बेल ऑन, सो आपको सारी नई वीडियोज़ नोटिफिकेशन मिले. और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, मेरी आईडी मैंने स्क्रीन पे मेंशन की हुई है. एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो. और इन सारी हेयर स्टाइल में मैं ट्राई करूंगी कि मैं सिर्फ और सिर्फ रबर बैंड का ही यूज करूं, पिंस का यूज ना करूं, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और हमें घर पे ही रहना है. सो पूरा दिन बालों में पिंस बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल लगता है. सो मैं एक या दो पिन का यूज करूंगी या तो फिर करूंगी नहीं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सारे बालों को ड्रैप करके इसे हाई पोनीटेल करनी है. और आगे से इस तरह से आपको निकालने हो तो निकाल सकते हैं वैसे इसे बाल फेस को फ्रेम करने के लिए. अब रबर बैंड को सिर्फ हाफ तक ही निकालना है इस तरह से. और फिर रबर बैंड को आप जिस डायरेक्शन में ट्विस्ट करते हो, जैसे कि राइट से लेफ्ट की ओर अगर आपने ट्विस्ट किया है इस तरह से, तो पोनीटेल को भी साथ में इसी डायरेक्शन में ट्विस्ट करना है. जैसे कि अगर आपने राइट से लेफ्ट की ओर इस तरह से रबर बैंड को ट्विस्ट किया है, तो रबर बैंड को इस तरह से पोनीटेल के नीचे ले जाके फिर ट्विस्ट करना है. सो लेट मी शो यू सेकंड टाइम. सो इस तरह से राइट से लेफ्ट की ओर. ओके, अब ये मेरा लेफ्ट हैंड है, तो इस तरह से मैं पूरे बॉल को इसे ग्रैब करके और राइट हैंड से सारे बॉलों को राइट साइड पे ले आना है. और फिर ये जो रबर बैंड है ये पूरे बन के अराउंड आपको ग्रैब करना है. अब ये जो एंड पार्ट है उसको थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करके, ये जो रबर बैंड है उसके अंदर टक कर देना है. थोड़ा सा बन को ऐसे स्ट्रेच कर लेना है ताकि थोड़ा सा ये मेसी लगे. एंड वी आर डन. और अगर आपको थोड़ा सा ये लूज लग रहा है सो आप एक और रबर बैंड का यूज़ कर सकते हो. इसको सिर्फ आपको इसका अराउंड रैप कर लेना है ताकि ये थोड़ा सा टाइट हो जाए. तो वी आर डन. लेकिन अगर आपको थोड़ा सा लूज लग रहा है सो आप पिंस का यूज़ कर सकते हो. सो आपको बिग बॉबी पिन लेनी है, छोटी वाली नहीं लेनी है, क्योंकि आपको दो या तीन लगानी पड़ेगी वो. सो वो बार बार निकल जाती है, सो आपको सिर्फ एक ही पिन लगानी है एंड दैट्स इनफ. और आगे से बालों को थोड़ा सा पुल आउट कर लेना है, स्ट्रेच कर लेना है ताकि ये चिपकू ना लगे, थोड़ा सा वॉल्यूम लगे बालों में. एंड यार दैट्स इट. एंड नाउ फॉर द सेकंड वन, ग्रेप ऑल द हेयर एंड क्रिएट अ हाई पोनीटेल. तो आपको ये पहले जैसा लगेगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन एक ही तरीके से बहुत सारे बन बनाए जा सकते हैं, या फिर बहुत सारे तरीके होते हैं एक ही बन बनाने के. सो थोड़ा सा ट्विस्ट एंड ट्रिक होता है, दैट्स इट. सो हाई पोनीटेल कर लेनी है इस तरह से. अब रबर बैंड को सिर्फ हाफ तक ही निकालना है इस तरह से, जैसे हमने पहले किया था. और फिर ऐसे एक ट्विस्ट करना है लाइक दिस. और फिर इसे ऐसे ही होल्ड करके रखना है और दूसरे हाथ से सारे बालों को ऐसे इसके अराउंड रैप कर लेना है. अब जिस हैंड में आपका रबर बैंड है उसे पूरे बन के अराउंड ऐसे रैप कर लेना है, एक टाइल कर लेनी है. ओके, अब इस बन को थोड़ा सा स्ट्रेच करना है ताकि ये थोड़ा सा और टाइट हो जाए. अब आप इसको इस तरह से भी छोड़ सकते हो, ये बिल्कुल भी लूज नहीं है. लेकिन आपको थोड़ा सा और उसको शेप देना है तो आपको एक और रबर बैंड यूज़ करना होगा और ये थोड़ा सा टाइट भी हो जाएगा इस तरह से. और इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेना है. और इस वाले बन में मैंने एक भी पिन का यूज़ नहीं किया है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा लूज लगे तो आप एक पिन या फिर दो पिन का यूज़ कर सकते हो. और बिग बॉबी पिन का ही यूज़ करना है, ठीक है.
यहाँ पे रबर बैंड को हाफ तक ही निकालना है। वैसे ये वाला स्टेप भी सब में कॉमन है, लेकिन एक ही तरीके से बहुत सारे बैंड बनाए जा सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था। ओके, सो एक ही लुक करनी है और फिर ऐसे ट्विस्ट करके बाकी के बालों को एक रैप करना है इसके अराउंड। और अब ये जो दोनों लुक बनी है उसके अराउंड ये जो रबर बैंड है उसे रैप कर लेना है एक ही बार। तो यहाँ पे ये दो लुक बनी है। अब इन दोनों लुक को आपको स्ट्रेच करना है जितना हो सके, ताकि ये थोड़ा सा टाइट हो जाए। अब इस एंड वाले पार्ट को थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करके रबर बैंड के अंदर टक कर देना है। तो ये हो जाएगी हमारी तीसरी लुक। तो अभी तक हमने पिन का यूज नहीं किया है, लेकिन मुझे ये थोड़ा सा लूज लग रहा है, सो मैं एक पिन का यूज करूंगी यहाँ पे। सो या दैट वॉज इट फॉर द वीडियो। आई रियली होप यू लाइक्ड इट। और हाँ, अगर आप मेरी कोई भी हेयर स्टाइल रिक्रिएट करते हो इस वीडियो में से या फिर दूसरे वीडियोस में से, देन शेयर द पिक्चर विद मी ऑन इंस्टाग्राम। मेरी आईडी मैंने स्क्रीन पे मेंशन की हुई है। और इस वीडियो में से आपको कौन सा बन अच्छा लगा, लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। एंड माई फेवरेट इज द थर्ड वन। ओके, सो नाउ इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।